डियर फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा जूकेयर 2.0 में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने चल रहे हैं बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने चल रहे हैं और डिस्कस करेंगे और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है, 1 मिनट का टाइम दिया गया है। आप बताइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है कि एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है होलो एंजाइम बराबर होता है किसके, एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम के। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सह एंजाइम बराबर होता है एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम के। तीसरा ऑप्शन दिया गया है होलो एंजाइम बराबर होता है सह एंजाइम प्लस सह कारक के। और चौथा ऑप्शन दिया गया है एपो एंजाइम बराबर होता है होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम के। आप सेलेक्ट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपके पास कितने 14 सेकंड हैं, आप जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होलो एंजाइम बराबर होता है किसके, एपो एंजाइम के। और उसके साथ साथ किसके बराबर होता है, सह एंजाइम के बराबर होता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, और बाकी ये जो होलो एंजाइम है ये दो एंजाइमों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। और बाकी जो एपो एंजाइम है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। बाकी जो सह एंजाइम है क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फ्रेंड्स, रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। हमें बताना है कि जब ब्लड प्रेशर में कमी हो जाएगी तो किस चीज़ का मोचन नहीं होगा या किसका उत्सर्जन नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन। तीसरा ऑप्शन है ADH। और चौथा ऑप्शन है रेनिन। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जब रक्त दाब के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो किस चीज़ का मोचन नहीं होगा, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर का यानी एफ का, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ANF भी कहते हैं, ठीक है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन। और चौथा ऑप्शन है ADH अथवा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, रेनिन। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक, ठीक है। जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर के आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो किस चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता है, ANF का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में एक सिस्टम कार्य करता है जिसे बोलते हैं रास सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रास सिस्टम, और ठीक है उसके साथ साथ AAS, ठीक है, क्या बोलते हैं, रास सिस्टम। जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, रास सिस्टम कहते हैं। और रास सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है, रेनिन, ठीक है, क्या नाम होता है, रेनिन, ठीक है। उसके साथ साथ एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, रास सिस्टम कहते हैं। और ये रास सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, बताइए लीवर कुहन परगुहिका की कौन सी कोशिका एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती है।
अब आप जानते हैं लाइसोजाइम एक प्रकार का क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ठीक है, क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जो बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। तो हमें बताना है कि कौन सी कोशिका एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती है। पहला ऑप्शन है पाइनेथ सेल या पाइनेथ कोशिका, दूसरा ऑप्शन है लाइमोजिन कोशिका, तीसरा ऑप्शन है कुप्फर कोशिका और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, रजत रंजी कोशिका। हमें बताना है कि कौन सी कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही कह रहा है, लीवर कोण परगुहिका की कौन सी कोशिका एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का क्या करती है, श्रावण करती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सी कोशिका है, पाइनेथ सेल। ठीक है, पाइनेथ सेल क्या करती है, कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने में सहायता करता है। ठीक है, बाकी ये जो कुप्फर कोशिकाएं हैं इसे बोलते हैं भक्षकांड कोशिका। कुप्फर कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कुप्फर कोशिका को बोलते हैं भक्षकांड। ठीक है, क्या बोलते हैं, भक्षकांड कोशिका। ठीक है, कुप्फर कोशिका को क्या बोला जाता है, भक्षकांड कोशिका कहा जाता है। ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पैथोजन को मारकर खाने में क्या करती है, सहायता करती है। बाकी जो जाइमोजिन कोशिका है, जाइमोजिन कोशिका ये क्या करती है, हमारे अग्न्याशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये जाइमोजिन कोशिका क्या करती है, एंजाइम का क्या करती है, श्रावण करती है। ठीक है, बाकी जो पाइनेथ सेल है ये भी क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती है, जो एक प्रकार का क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो मारने में सहायता करता है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, और बाकी ये जो रजत रंजी अथवा इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अर्जेंटाफिन, इसे क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्जेंटा, ठीक है, अर्जेंटा फिन कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटा फिन कोशिका। और ये कोशिका क्या करती है, ये कोशिका हार्मोन का क्या करती है, श्रावण करती है। किस चीज़ का श्रावण करती है, हार्मोन का। ये हमारे शरीर में क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। बाकी जो लाइमोजिन कोशिका है, ये लाइमोजिन कोशिका, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, क्या उत्पन्न श्रावण करती है, एंजाइम। ठीक है, ये क्या बनाती है, एंजाइम का श्रावण करती है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो बहुलक नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड, तीसरा ऑप्शन है लिपिड्स और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिकम। आप बताइए जल्दी से कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है। क्या प्रोटीन नहीं है, दूसरा ऑप्शन पॉलीसैकेराइड है, तीसरा ऑप्शन लिपिड्स है और चौथा ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल है। चारों में से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन प्रोटीन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन पॉलीसैकेराइड, तीसरा ऑप्शन लिपिड्स है और चौथा ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल है। आप बताइए इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड नहीं है अथवा बहुलकी नहीं है। बाकी प्रोटीन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। बाकी न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, पॉलीमर, कौन, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, बाकी प्रोटीन भी एक प्रकार क्या है, क्या है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। ठीक है, तो कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का, इसलिए एक प्रकार का ये पॉलीमर है। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, ये भी एक प्रकार का पॉलीमर है। बाकी पॉलीसैकेराइड किसका पॉलीमर होता है, ये होता है मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड्स का क्या होता है, पॉलीमर होता है, कौन, पॉलीसैकेराइड। बाकी लिपिड्स और उसके साथ साथ ग्लिसराल, ठीक है, ये वसा डेरिवेटिव कंपाउंड हैं जो क्या होते हैं, बहुलकी नहीं हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। हमें बताना है कि एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूणकोष, दूसरा ऑप्शन है भ्रूणकोष, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण और चौथा ऑप्शन है बीजाणु। जल्दी से आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है।
टाइम आपके पास है अभी 30 सेकंड है, अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन भ्रूण कोष है, दूसरा ऑप्शन भ्रूण कोष, तीसरा ऑप्शन भ्रूण और चौथा ऑप्शन बीजाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड, भ्रूण कोष। ठीक, तो एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से जो विकसित होने वाला अंग होता है वो अंग कौन सा होता है? भ्रूण कोष विकसित होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होते हैं 8 केंद्रक तथा 7 क्या पाए जाते हैं? भ्रूण कोष ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड्स, माइलिन, ये नर्वस सिस्टम से पूछा गया, माइलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है तारा कोशिका यौन श्वान कोशिका, दूसरा ऑप्शन है ओलिगो डेंड्रोसाइट और तीसरा ऑप्शन है अस्थि शोषक और चौथा तीसरा ऑप्शन दिया गया है अस्थि शोषक यौन तारा कोशिका और चौथा ऑप्शन दिया गया है श्वान कोशिका यौन ओलिगो डेंड्रोसाइट। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में माइलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है तारा कोशिका यौन श्वान कोशिका, दूसरा ऑप्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट यौन अस्थि शोषक और तीसरा ऑप्शन है अस्थि शोषक यौन तारा कोशिका और चौथा ऑप्शन है श्वान कोशिका एवं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, माइलिन जो आच्छद किसके द्वारा निर्मित होता है? श्वान कोशिका यौन ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है 4। ठीक है, श्वान कोशिका यौन ओलिगो डेंड्रोसाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड, सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं? हमें बताना है कि सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कीट परागण, दूसरा ऑप्शन है जल परागण, तीसरा ऑप्शन है अनुन्मीलीय परागण और चौथा ऑप्शन है वायु परागण। आपको बताना है कि सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं। आप ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कीट परागण या जल परागण या अनुन्मीलीय परागण अथवा वायु परागण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1, कीट परागण। सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं? कीट परागण के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट जो कीट परागण के द्वारा परागकण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? नेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं और उसी नेक्टर को सक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीट अट्रैक्ट होके उस प्लांट के पास आते हैं और उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कराते हैं? संपन्न कराते हैं। इसलिए सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होता है? कीट परागण के लिए आवश्यक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 नर्वस सिस्टम से पूछा गया है, तंत्र प्रेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? हमें बताना है तंत्र पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिकाश के सिरों पर, तीसरा ऑप्शन है पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में और चौथा ऑप्शन है सिनेप्टिक आशयों की झिल्ली में। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही है, तंत्र प्रेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं। जल्दी से ऑप्शन सिलेक्ट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या पहला ऑप्शन सही है या दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। ठीक है, तंत्र प्रेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली में या तंत्रिकाश के सिरों पर या पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में या सिनेप्टिक आशयों की झिल्ली में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में तंत्र प्रेशियों के क्या होते हैं? ग्राही स्थान स्थित होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक आवरण कहते हैं अथवा सिनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जो तंत्र प्रेशियां होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स, नारियल का फल किस प्रकार का फल है?
या नारियल का फल किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है सरस फल है, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ फल है, तीसरा ऑप्शन है संपुट फल है और चौथा ऑप्शन है अष्टिल फल है। तो हमें बताना है कि नारियल का फल किस प्रकार का फल है, सरस फल, दृढ़ फल, संपुट फल अथवा अष्टिल फल। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन सही है, नारियल का फल कौन सा फल होता है। पहला सरस फल ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दृढ़ फल दिया गया है, तीसरा ऑप्शन संपुट फल दिया गया है और चौथा ऑप्शन अष्टिल फल दिया गया है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखा जाए, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अष्टिल फल किस प्रकार का फल है, नारियल एक प्रकार का जो फल है वो किस प्रकार का फल होता, अष्टिल फल होता है। ठीक है, अथवा इसी को नारियल फल को हम क्या बोलते हैं, एक नाम और देते हैं, उसे बोलते हैं ड्रूप फल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप फल भी इसे कहते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे, अष्टिल फल अथवा ड्रूप फल किसे कहा जाता है, नारियल के फल को कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड्स, वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रीय होती है, निम्न में से कौन से कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ के आपको विकल्प दिए गए, उसमें से सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है वयस्क मानव की आरबीसी के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑप्शन है एकाई कोशिकाएं हैं, तीसरा ऑप्शन है ये उपापचय नहीं करती हैं और चौथा ऑप्शन है इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवाहन के लिए उपलब्ध होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल ए, क्या जो पहली बात कही जा रही स्टेटमेंट में वो सही है। दूसरा ऑप्शन है ए सी एवं डी सही है, तीसरा ऑप्शन दिया गया बी एवं सी सही है और चौथा ऑप्शन दिया गया है केवल डी सही है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रीय होती है, बात सही है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही व्याख्या करता था। तो ये चारों व्याख्याएं मतलब कह रहा है इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कायिक कोशिका है, ये भी गलत है और ये उपापचय नहीं करती हैं, ये भी गलत है। और कौन सा ऑप्शन सही, इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवाहन के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर अगर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाए जाएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो पाएगी, कम भंडारित हो पाएगी, इसलिए आरबीसी के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो सके, हीमोग्लोबिन स्टोर हो सके और मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रेंड, क्षमतायन कहाँ होता है, बताना क्षमतायन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है अद्विरसण में, दूसरा ऑप्शन है शुक्रवाहक में, तीसरा ऑप्शन है मादा जनन क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है वृषण जालिका में। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्षमतायन की अथवा इसी को कैपासिटेशन भी कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, कैपासिटेशन। कैपासिटेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पहला ऑप्शन अद्विरसण है, दूसरा ऑप्शन शुक्रवाहक है, तीसरा ऑप्शन है मादा जनन क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है वृषण जालिका। कैपासिटेशन मीन्स होता है कि स्पर्म के अंदर क्या लाना, मोटिलिटी लाना, जिसके कारण स्पर्म ओवम को क्या कर सके, आसानी से फर्टिलाइज कर सके। तो हमें बताना है कि स्पर्म के अंदर कैपासिटेशन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। पहला ऑप्शन अद्विरसण, दूसरा ऑप्शन है शुक्राशय शुक्रवाहक है, तीसरा ऑप्शन है मादा जनन क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है वृषण जालिका। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, मादा जनन क्षेत्र। ठीक है, जब स्पर्म यूट्रस से होकर गुजरता है, गर्भाशय से होकर गुजरता है, तभी स्पर्म के अंदर क्या होती है, मोटिलिटी की क्षमता पाई जाती है या ठीक है कैपासिटेशन की प्रक्रिया की क्षमता पाई जाती है, जिससे वो स्पर्म ओवम को क्या कर सकता है, आसानी से फर्टिलाइज कर सकता है। यदि स्पर्म में कैपेसिटेशन की प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है तो स्पर्म फिर उस ओवम को फर्टिलाइज करने योग्य नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरिया
और चौथा ऑप्शन है आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन सही है। चरम लवणीय दशाओं में पाए जाने वाले कौन से जीव हैं। पहला ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया पहला, दूसरा ऑप्शन दिया गया साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन माइको बैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन क्या है आद्य बैक्टीरिया अथवा प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आपको बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर ऑप्शन देखा जाए तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अथवा ऑप्शन नंबर 4 आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, चरम लवणीय या साल्ट की मात्रा जहाँ पर होती है, विषम परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। ठीक है, तो चरम लवणीय दशाओं में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, आद्य बैक्टीरिया अथवा आर्की बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है, जब के इक्वल देन एन हो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है के ग्रेटर देन एन हो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है के लेस देन एन हो, चौथा ऑप्शन कह रहा है आर का मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लॉजिस्टिक वृद्धि के लिए अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मतलब कि जो के है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एन के। ठीक है, के को हम क्या बोलते हैं, वाहक क्षमता। ठीक है, और वाहक क्षमता जो है वो बराबर किसके है, एन के। ठीक है, अथवा जिसे क्या बोलते हैं हम, लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है। हमें बताना है कि अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या में 2 में विभाजित करता है। एक अधिक उत्पादन वाली यौम अन्य कम उत्पादन वाली। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अस्थाई कारक के बाद विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का अस्थायीकरण करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है अस्थायी कारक वर्ण, क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का अस्थायीकरण करता है। आपको बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए 14 का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को दिशा में क्या कर देता, धकेल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर अथवा क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रेंड्स आप बताइए बेमेल जोड़े को आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, मतलब गलत बात कौन सा है। पहला ऑप्शन है रोडो स्पायरलम, जो एक कवक मूल है। दूसरा ऑप्शन दिया गया एनाबिना, नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु है। तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम, ठीक है, ये भी अल्फा अल्फा से बिलोंग करता है। चौथा ऑप्शन है फ्रैंकिया, जो एलनस से बिलोंग करता है। तो हमें बताना है किसमें से कौन सा बेमेल, ठीक है, या गलत बात बताई गई है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से सिलेक्ट करके बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। रोडो स्पायरलम एक कवक मूल है, एनाबिना नाइट्रोजन स्त्री कारक है, राइजोबियम एल्फा एल्फा या फ्रैंकिया एलनस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 रोडो स्पायरलम, ठीक है, एक प्रकार का कवक मूल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला जीवाणु है। ये क्या है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला क्या है, जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला क्या है, एक जीवाणु है। और यहाँ पे क्या बात दिया गया है, कवक मूल, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, रोडोस्पायलम एक प्रकार का जीवाणु है, ना कि कवक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रेंड ये भी स्टेटमेंट वाइज है, कह रहा अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर
खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतः ग्रहण पर निर्भर करती है। निम्न में से सर्वोचित कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया कैरोटीन से विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश वर्णक आंतरिक खंड की झिल्ली का बिंब में गड़े हुए होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है रेटिनॉल सभी दृष्ट प्रकाश वर्णों का प्रकाश अवशोषी भाग है। और चार विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ए सी एवं डी सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए एवं सी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बी सी एवं डी सही है। ठीक है, यहाँ पर डी करना पड़ेगा, यहाँ दो बार क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, तो बी सी एवं डी सही है और चौथा कह रहा है ए एवं बी सही है। तो आपको बताना है कि 16 वाले ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड इसका ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ए सी एवं डी, ये बात भी सही है और उसके साथ साथ सी बात सही है और उसके साथ साथ डी बात, ये वाला बात गलत है क्योंकि प्रकाश वर्णक की बात कर रहा था। तो कैरोटीन जो विटामिन है उस प्रकार का, ठीक है, प्रकाश वर्णक स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या है गलत है। कैरोटीन से विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं, बात राइट है। रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न है, ये भी सही है। रेटिनॉल सभी दृष्ट प्रकाश वर्णों का प्रकाश अवशोषी भाग है, ये भी बात क्या है सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड एग्रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। ठीक है, बताना है एग्रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है एसिटोकार्मीन, दूसरा ऑप्शन है एनिलीन ब्लू और तीसरा ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन है ब्रोमोफिनाइल ब्लू। ठीक है, तो आपको बताना है किसमें से कौन सा 17 वाले ऑप्शन में सही है। एग्रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 17 का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, एग्रोज जेल में हम किसका प्रयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं डीएनए को खंड को क्या करते हैं अभिरंजित करते हैं अथवा पृथक करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फ्रेंड यकृत निर्वाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया, ये भी मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत निर्वाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है। पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है वृक्क और तीसरा ऑप्शन है आंत और चौथा ऑप्शन है हृदय। हमें बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और यकृत निर्वाहिका तंत्र को क्या बोलते हैं, हिपाइटिक पोर्टल वेन भी कहते हैं या हिपाइटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो रुधिर को यकृत निर्वाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है। ठीक है, अमाशय, वृक्क, आंत, उसके साथ साथ हृदय। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही फ्रेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो डायरेक्ट हृदय को ना जाके पहले किसके पास जाता है, आंत का जो रुधिर है। ठीक है, ये रुधिर, ठीक है, आंत का जो संपूर्ण रुधिर जब रिटर्न बैक करता है तो रिटर्न बैक करके किसके पास जाता है, यकृत के पास। ठीक है, यकृत से तब जो इंटर करता है किसके अंदर, हृदय के अंदर। ये बात आप याद रखे रहेंगे। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अंग है जिसका ब्लड, ठीक है, डायरेक्ट हृदय को ना होके किसके पास भी जाता है, पहले यकृत के पास जाता है, वो क्या है, आंत है। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर विभिन्न प्रकार के पॉइजनस केमिकल होते हैं या पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले एलिमेंट्री कैनाल का संपूर्ण रुधिर, ठीक है, इकट्ठा होके वो किसके पास जाता है, यकृत के पास जाता है और यकृत हानिकारक पदार्थों को ले लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उस रक्त को फिर दिया जाता है हृदय को और हृदय से फिर वो प्यूरिफाई होके सही शुद्ध होके फिर कहाँ आता है, रिटर्न करता है किसमें, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रेंड संवहनी एधा समानता क्या बनाती हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक कोषवाहक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक जाइलम, तीसरा ऑप्शन है परितत्व और चौथा ऑप्शन है काग स्थल। इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड द्वितीयक जाइलम। ठीक है, संवहनी जो एधा है कार्क जो कैम्बियम है किसका फॉर्मेशन करती है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड थैलेसीमिया यौन दात्र कोशिका रक्ता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं, उचित कथन का चयन कीजिए। थैलेसीमिया एक प्रॉब्लम है, बीमारी जिसे हम आनुवंशिक डिसऑर्डर बोलते हैं और उसके बाद दात्र कोशिका रक्ता इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है वो ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है उसके अणु
के संश्लेषण में समस्या के कारण होता है। उचित कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दात्र कोशिका रक्ता ग्लोबिन अणु में परिणामात्मक समस्या के कारण होते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रेंड थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। ठीक, बाकी सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का क्या अनुवंशिक अथवा जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब उसके बाद फ्रेंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब और भी विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बायो से संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।